मैं हूं रामगोपाल धनगर और आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज पर आज के मुख्य समाचार मेरे साथ। आइए चलिए मेरे साथ डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। हिमपुर दीपा निवासी पोस्टमैन अशोक कुमार के घर में चोरों ने करीब 80,000 रुपए कीमत की दुधारू भैंस को चोरी कर लिया। बता दें कि देर रात डायल 11112 क्षेत्र में गश्त कर रही थी और देर रात तक क्षेत्रीय लोग भी आवागमन कर रहे थे। इसी बीच मैच कुछ मिनटों के अंदर देर रात सातिर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने पर एक छोटा हाथी वाहन घेर की ओर से जाता दिखाई दिया। विशेष बात यह है कि इस घर के चारों ओर मकान हैं और घर किसी गली में नहीं बल्कि मुख्य मार्ग पर स्थित है। उसके बाद भी यहां से चोरी होना बताया गया है। इस जगह की बहुत ही बारीकी से रेकी की गई होगी। विदित हो कि इससे पूर्व भी थाना क्षेत्र के ग्राम मुडाल में रामलीला देखने आए कोतवाली शहर बिजनौर क्षेत्र के लोगों की बाइक भी चोरी हो गई थी। एक सप्ताह में यह दूसरी चोरी बताती हैं। क्षेत्र में चोरों का राज्य कायम हो गया। कहां के रहने वाले? हिमपुर दीपा। ये एक चोरी का मामला हुआ, क्या मामला हुआ है? रात हमारी भैंस चोरी हो गई है, जानकारी तो थोड़ा लेट पता चला। हम इतना गए वहाँ तो उसके बाद हमें कहीं दिखाई नहीं दिया, लेकिन रात भैंस हमारी चोरी हो गई। एक महीने की ब्याज हुई। क्या कीमत होगी भैंस की? 80,000 के आसपास होगी। हुंडी भैंस है तकड़ी। अच्छा, थाने में तेजी दे दी? अभी नहीं जाऊँगे थाने में। आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज पर। आपको खबर हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। नमस्कार, देखते रहिए धनगर शक्ति न्यूज।